घर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा गेट तो गेट लगाने का कितना खर्चा आपको पड़ेगा मैं बात कर रहा हूँ एम की जो पाइप का गेट आता है जहाँ जो आपने स्टील और लकड़ी का गेट बनवाते हैं या सिर्फ जो आयरन का गेट बनता है आज तीन गेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा ये इससे सामने आप गेट देख रहे हो इसको बनाने में आपका कितना खर्चा आ जाता है जैसे लेजर कटिंग की शीट इसमें लगी है पाइप लगी हुई हैं और यहाँ पे स्टील की हैंडल लगा हुआ है अगर हमें इसे बनाना हो लम सम आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा और मैं आपको पर्स के फीट के हिसाब से भी बताऊँगा के में आपको मतलब आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते इस वीडियो के बाद आप लम सम क्वान्टिटी निकाल सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको गेट बनाने में कितना खर्चा आने वाला है और इस गेट का तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा प्राइस डबल पल्ले का हो सिंगल पल्ले का हो जो भी गेट हो आप इस वीडियो के बाद निकाल सकते हो देखो अगर मैं बात करूं इस गेट को बनाने का जो इस समय खर्चा चल रहा है अगर आप टाटा की पाइप यूज करते हो जिंदल की पाइप यूज करते हो बॉक्स सेक्शन करते हो और ये जो स्टील इन्होंने लगाया है 202 ग्रेड है 304 ग्रेड नहीं है तो इसमें आपको लमसम इस समय जो रेट चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है सौ रुपया से लेके कर एक सौ पाँच रुपया के जी के हिसाब से कितना सौ रुपया के जी पकड़ के चलो अगर आपका सौ किलो का गेट होता है तो सौ रो मतलब सौ पकड़ लो कोई दस हज़ार रुपये का आपका गेट बनेगा आप वैसे दो सौ किलो का होगा तीन सौ किलो का होगा तो आपको अप्रॉक्स उतना खर्चा पड़ जाएगा क्योंकि सौ रुपया किलो इस समय एमएस की जो बॉक्स पाइप्स

एक स्क्यर फीट में अप्रोक्स चार के जी हमारा वेट होता है गेट का किसका एम एस माइल्ड स्टील का और जिसमें पाइप यूज है शीट यूज़ है या एम एस के हैंडल यूज हैं तो लमसम पकड़ लो एक स्क्वेयर फीट में चार के जी हमारा होता है तो हमने एग्जाम्पल ले ली हमारा गेट है आठ फुट उसका चौड़ाई है दो पर्ले वाला गेट है लगा लो ठीक है और सात फुट उसकी हाइट रखी आपका जितना भी हो एक पर्ले वाला है छः फुट है सात फुट है आठ बाई सात का हमारा गेट है वो हुआ छप्पन स्क्यर फीट कितना छप्पन स्क्वेयर फीट हमारा एरिया हुआ अगर हम पकड़ते हैं एक स्क्यर फीट में चार केजी होता है छप्पन में हमारा छप्पन इंटू चार करेंगे दो सौ चौबीस किलो हमारा गेट हो गया कितना दो सौ चौबीस किलो ये लम लमसम लगा लो दो सौ चौबीस किलो गेट हो गया और एक सौ बीस रुपये अगर हम रेट पकड़ते हैं जैसे मैंने कहा एक सौ पाँच भी रेट चल रहा है एक सौ दस भी एक सौ बीस भी एक सौ तीस भी ये डिपेंड है लोकेशन पे आपके डिज़ाइन पे क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो क्योंकि कोई एक्यूरेट नहीं है कोई ये होगा कि आपने डोर देख लिया एक मेन गेट देख लिया ऐसा बन रहा लो वो रेट चल रहा होगा 110 तो वो सेम 110 सौ दस बना के दे। लेकिन आप क्या करोगे आप पैटर्न चेंज करोगे यहाँ अलग पाइप डलवाओगे यहाँ अलग पाइप तो उसका रेट बढ़ जाता है थोड़ा बहुत मैं एक सौ रेट पकड़ के चल रहा हूँ जो सामने आपने रेट गेट देखा था स्टार्टिंग में वो तीस का गेट था कितना तीस का तो 224 किलो हमारा एक सौ बीस मैंने रेट पकड़ा तो छब्बीस हजार हमारा खर्चा आ जाएगा आठ बाय सात के गेट को एमएस का गेट होगा तो इस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो और अगर हम स्क्वेयर फीट में बात करें जिसे आप सामने गेट देख रहे हो जिसमें एमएस भी है पतरी पाइप भी है स्टील भी है और जो डिज़ाइन भी है तो ये थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ता है और ये एच का गेट है तो इसमें आपको 1500 से 1600 सौ रुपये पर स्क्वेयर फीट पड़ता है मतलब ये थोड़ा कॉस्टली गेट रहता है क्योंकि इसमें आपको पूरा फिनिशिंग के साथ पेंट वेंट करके दिया जाएगा देखो फिर हम बात करते हैं जो आजकल गेट चल रहे हैं जिसमें क्या होता है स्टील और वुडन यूज की जाती है काफी फेमस गेट है लेकिन वो डिपेंड होता है वुड किस क्वालिटी की वुड यहां यूज की जा रही है वो आपको सोलह रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा जैसे सामने आप गेट देख रहे हो वुडन टेक्चर में और ये आपको सोलह सौ में पड़ जाएगा और यहां आप देख रहे हो ऊपर और नीचे सिर्फ स्टील लगा और बीच में टोटल वुड यूज़ की गई है तो ये जो डोर रहता है ये आपको 2300 या 2100 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ते काफ़ी कॉस्टली गेट ये पड़ते हैं आपको यहाँ भी सामने आप देख रहे हो ये सेम गेट वही कि लेकिन इसमें क्या किया गया है फ्रेम जो है वो एम एस का है पाइप्स का है और बीच में क्या किया गया है लकड़ी यूज़ की गई है तो ये पंद्रह सौ रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बन गया आपका मतलब पकड़ के चलो अगर आपका सात बाई सात का गेट है तो आपका खर्चा मोटा होने वाला है साठ से सत्तर हज़ार रुपये आपका खर्चा उसमें चला जाएगा अगर आप लकड़ी का गेट यूज़ करते हो ये सामने जो डोर है यहाँ एम की पाइप है लेजर कटिंग वाली शीट है और लकड़ी यूज़ की गई है लकड़ी कोई भी हो सकती है शीशम की हो सकती है जो कोई भी तो आपको वो पंद्रह सौ सोलह सौ सो, सत्रह सौ पर स्क्र फीट के हिसाब से गेट पड़ जाता है अगर मतलब मैं पकड़ के चलूँ अगर आपको लकड़ी कोई अच्छी क्वालिटी की लकड़ी और स्टील या एमएस फ्रेम यूज़ करते हो उसका गेट आपको बनाना है तो आप पकड़ के चलिए पंद्रह सौ रुपये से स्टार्ट हो जाएगा दो हज़ार रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से वो आपका खर्चा बन जाएगा जैसे ये सामने गेट देख रहे हो ये सोलह सौ रुपये पर स्क्वायर फीट आपके लिए है और ये है एमएस की देखो स्ट्रिप्स भी मारी हुई हैं बीच में लकड़ी यूज़ की गई है पूरी वुडन और ये आपको पड़ा है उन्नीस सौ रुपये पर स्क्यर फीट यहाँ ये भी आपको उन्नीस सौ रुपये पर स्क्यर फीट के हिसाब से बन गया तो ये आपका हो गया जब आप स्टील का गेट बनाने जाओगे एम जो स्टील रहता है आपने जैसे पैटर्न दे सामने देख रहे हो वैसा पैटर्न देखा होगा ये आपको ग्यारह सौ से बारह सौ रुपया पर स्क्यर फीट के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलेगा बाकी एक ऑप्शन बनता है आपके पास एस एस का गेट टोटल एस एस का गेट हो बीच में शीट हो उस उसमें मैं कल वीडियो ले आऊंगा आपके लिए उसमें पूरा रेट बताएंगे और भी काफी चीजें बताएंगे लेकिन अगर आपको सस्ता और बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो ये सामने आप ऑप्शन देख रहे हो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मतलब जिसमें आपको पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे पाइप्स आप जिस तरीके की लगाना चाहते हो जो जो लेज़र कटिंग की शीट रहती है जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो बन जाएगा तो आपको ये 100 से 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा आपको बस चूज़ करने की आपको छः बाई सात का गेट चाहिए या सात बाय सात का जितना भी आपका एरिया हो एक सिंगल पड़ लेगा चाहिए डबल पड़ लेगा वो चूज़ कर लो डिज़ाइन चूज़ कर लो वो जो मिस्त्री रहेगा वो आपको वेट करके बता देगा कि आपका कितना लगने वाला है बस आप पकड़ के चलना सौ से एक सौ बीस रुपए पर केजी के जी के हिसाब से और पाइप यूज करना टाटा की अभी मैं लेता हूं अलविदा थैंक यू यूस